कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। पहले आपने अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने फेस को क्लीन किया हुआ है। फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉवेस क्यूक्यूमर टोनर। यह आपके फेस को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेगा और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। अगर आपके पास ये टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मी 9 to 5 CC क्रीम। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट लिया है और ये बिल्कुल एक सिंपल सा मेकअप लुक है कियारा आडवाणी का, तो मैं इसमें कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी अपने फेस पे। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से अपनी सीसी क्रीम को अपने फेस पे सेट कर लूँगी। कोई की हार्श लाइन, कोई केकी हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ अपने सीसी क्रीम को सेट करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मार्क्स का 3D कॉन्टोर प्लस कंसीलर स्टिक ले रही हूँ। जहाँ भी आपके फेस पे डार्कनेस है आप वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंडर आईज़ अपने क्यूपिड्स पे से यूज़ किया और अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। और नेक्स्ट कॉम्पैक्ट से सेट भी कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो पे यहाँ पे शेप नहीं देने के लिए ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने आईब्रो को शेप में दूंगी। प्रीति ने काफ़ी अच्छा आईब्रो, उनका शेप में है और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, सो उस टाइप का मैं आईब्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उनकी थोड़ी सी आईब्रो कर्व है आगे से, सो मैं अपने थोड़े से आईब्रो को कर्व कर दूँगी और अपने आईब्रो को फिल करूँगी इस मेबलिन न्यूयॉर्क के जेल आईलाइनर से इन द शेड ब्लैक। सो मैं इसे फिल कर लूँगी अपने आईब्रो को। तो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ और अपने आईज आईलेट पे लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सिंपल और सटल टाइप का मेकअप किया है और उन्होंने ब्राउन आई शेडो यूज़ किया है, सो मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं वाइट शिमरी कलर का आई शेडो ले रही हूँ और फिर मैं इसे अच्छे तरीके से अपने आईलेट पर ब्लेंड कर लूँगी।
मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके फिर परचेज कर सकते हैं। जो भी फॉल हो चुका है उसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे तरीके से और कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लोटस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आई लैशेज को वॉल्यूम देने के लिए। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ मार्क्स 3D का कॉन्टोर प्लस कंसीलर स्टिक। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ एलेटीन का लिपस्टिक इन द शेड 06। ये ऑरेंज लिपस्टिक है सो मैं इसे ब्लश के लिए ऐसे यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं फिर यूज़ कर रही हूँ अपना DIY हाइलाइटर। मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। अपने ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड्स पे इसे यूज़ करना है। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ मीनाओ का लिपस्टिक इन द शेड लाइट ब्राउन। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही अच्छा सा लिपस्टिक है गाइस, ट्राई ज़रूर करना। ये कलर काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी मुझे पसंद है ये कलर, और प्रीति ने भी लाइट ब्राउन कलर के लिपस्टिक को यूज़ किया है सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने फाइनल लुक के बाद। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सो तेरी मैं कसम यही खाऊंगा, कीते वादे शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा उसे हिट करना ना भूलना। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कियारा आडवाणी और प्रीति का लुक कैसा लगा। सो गाइज मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज।